छोटी माँ के पास। बलराम काया की चुगली करेगा तू? बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज, कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। चल काना। साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन में बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। जब यह आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हमें नंद भवन जाके नंदराज और जशोदा से अपने भूल की माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और जाके कछु कहे, मुझे स्वयं ही यशोदा को सब कुछ बताना होगा। छोटी माँ बलराम क्या होगा नंदा, सब ठीक तो है ना? छोटी माँ वो क्या होगा नंदा बता। छोटी माँ आपने कहा था ना कि ये यदि मिट्टी खाए तो मैं आपको बताऊं। कान्हा जी मैं क्या सुन रही हूँ, तूने मिट्टी खाई? मैया मिट्टी के बारे में पूछ रही है, पर मैंने तो बू देवी का सूत प्रसाद खाया है। मैं कछु पूछ रही हूँ लल्ला, उत्तर दे, तूने मिट्टी खाई है कि ना? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं देखा है छोटी माँ कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था। आप सबसे पूछिए, इन्होंने भी देखा था। वाह, सुख के सखाओं ने दुख काटे ही साथ छोड़ दियो। मुझे तुझसे सच सुनना है कान्हा, बता तूने मिट्टी खाई है कि ना? झूठ बोल रहे है, सच्ची सच्ची बता, खाई है? ना भैया, मैंने मिट्टी ना खाई। इधर आ। तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को। क्यों, अब क्या होगा? तूने मिट्टी तो ना खाई, तू दिखा दे कि जैसा वह सत्य बोल रहे हैं। कान्हा मुंह खोल। मुंह खोल लल्ला, मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। आ
हे नारायण, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, पर इसका अर्थ क्या है? नारायण की इच्छा क्या है? क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब? क्या बताना चाहते हैं मुझे वो ये सब? कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। लगता है मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कान्हा के पास जाके ही मिलेगा। कितना भी सतर्क हो जाऊं, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। पिछले बार तो बाबा ने संभाल लिया था, अब मैया क्या करेगी? छोटी माँ, कान्हा क्या हो गया इधर? मैया, उठ जाओ ना मैया। मैया, कान्हा, कान्हा, नन्ना, मैया क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हो? कान्हा मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। तो मस मिट्टी है, तो जो मैंने देखा वो क्या था? स्वप्न था मेरा या कोई भ्रम हुआ था? हाँ लल्ला, इससे पहले कि मैया मेरे सत्य समझ जाए, मुझे स्थिति को संभालना होगा। मुझे क्षमा कर दो मैया, आपको दुखी करो मैंने, पर मैं सच्ची कह रहा था, मैं मिट्टी ना खाई, बस भू देवी का प्रसाद ही खाया था। आप कहोगे तो आगे से ना खाऊंगा, सच्ची। बस बस लल्ला बस, इसमें विशेष शक्ति ना हो सकती। ये तो इतना भोला है कि मिट्टी को भूदेवी का प्रसाद समझ के खाकर। मुझे क्षमा कर दो मैया, ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ, क्या मैं पावली हो गई हूँ? ना ना, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ, फिर क्या कारण हो सकता है इसका? अरे प्रसाद का समय हो गया है और मैंने अभी तक कुछ बनाओ भी ना है, आज फिर से गुड़ ही चढ़ाना पड़ेगा। मैं आए दिन भोग में गुड़ चढ़ा रही हूँ, अवश्य इसीलिए मिट्टी को गुड़ का प्रसाद समझकर खागो मेरा काना। मैं समझ गई लल्ला, वो अकेले बैठ के मिट्टी क्यों खा रहा था। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, अपनी ममता में लल्ला की आवश्यकता को सबसे अधिक महत्व दे रही थी मैं, इसी कारण से आपकी भक्ति में भूल चूक हो गई। पर आप तो साक्षी हो, मेरे मन के भीतर आपकी श्रद्धा और भक्ति में कछु कमी ना है। पर हाँ, कर्म कांड और विधि विधान में ऊंच नीच है तो अनुचित ही,
पर आज जो मैंने देखो है ना, उसने मुझे मेरी भूल का आभास करा दियो है नारायण। मैया चुपचाप हाथ जोड़ करके पूजा कर। सर क्या देख रहे हैं ना, ताकि नारायण तुझे सद्बुद्धि दे। इस सृष्टि में जो भी होता है ना लल्ला, सब इन्हीं की इच्छा से होता है, और हम बार बार अपनी अज्ञानता के कारण इनके विधान पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हम ये भी ना सोचते कि प्रभु की लीला पर संदेह करने का अधिकार ना है हमें। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर नारायण सही मार्ग दिखा ही देते हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे दिखाओ है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी नारायण। पति संतान परिवार सब महत्वपूर्ण होते हैं, पर आपकी भक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अब से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी मैं, सच्ची निष्ठा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी, भोग अनुष्ठान और सेवा करूंगी। वैसे नारायण सच्ची बात तो ये है कि सब इसी के कारण हो रहा है। इसके कारण आजकल मुझे समय ना मिलता है। मैया मेरी सेवा ही तो नारायण की सेवा है। मुस्कुरा क्यों रहे रे? हाथ जोड़ प्रार्थना कर कि नारायण तुझे भी सही समय पर सही मार्ग दिखाए, ताकि तुझे मिट्टी वाली भूल दोबारा ना दोहराए। हाथ जोड़। आपको मुझे भी सही मार्ग दिखाना होगा प्रभु। एक ओर मेरी प्रजा है तो दूसरी ओर मेरा लल्ला, मैं किसका हित साधूं? किसी एक का त्याग कैसे कर दूं मैं? मैया प्रसाद दो ना। क्यों, मिट्टी ना खानी? नहीं लल्ला, आज के बाद मिट्टी को गुड़ समझने की भूल मत करियो, समझ आई? जा विश्राम कर। मुझे ना आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरे साथ आओ, चलो, बहुत आवश्यक बात करनी है। बैठो, बैठो जी। सुनो जी, आप विश्वास ना करोगे आज मेरे साथ क्या हुआ है, पर पहले जी बताओ, आप मेरा उपहास ना उड़ाओगे ना पिछली बार के जैसे? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची में देखो है। और इतना ही ना, मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। ये तो इसी बात का संकेत है यशोदा, के आज गोकुल वासियों को नारायण के आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है। इसका क्या अर्थ है? और आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? उस व्यापारी ने हमारे गोकुल वासियों के साथ छल कियो है यशोदा। जानबूझकर उसने सभी को लोभ के जाल में फंसायो, और ये सब उसने कियो है किसी और के लिए। किसके लिए बताओ जी, किसके लिए? कंस के लिए, कंस के लिए। उसे कंस ने ही भेजा था यहाँ। पर वो तो महाराजा है ना, उसे कछु कमी है क्या? फिर हमारे भोले भाले गोकुल वासियों को क्यों फंसा रहे हैं जी? ना ना, बात कछु और है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या चाहता है वो? कहीं बाबा ये ना बता दे
कि कंस मामा ने यह सारा छल मुझे मथुरा बुलाने के लिए रचा है। मैया की ममता भय में बदल जाएगी। ऊपर से देखो तो बस दूध दही माखन का छोटा सा छल है, पर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है इसका। आप जानते हो ना क्या है, मुझे ना बताओगे? बताओ बताओ जी। यशोदा वो चाहत तो है कि मैं दरबार में जाऊं और साथ ले जाऊं। साथ ले जाऊं? बाबा क्या कर रहे हो, संभालो। किसे साथ ले जाऊं? गांव वालों की दया की पुकार को, उनकी सहायता की गुहार को। उसने कहलवाई है कि मैं हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करूं, तभी वो गांव वालों को निःशुल्क उत्पाद देने की व्यवस्था से मुक्त करेगा। अब मुझे समझ ना आ रहा कि मैं क्या करूं। जब हमें कछु समझ में ना आए ना, तो सारी चिंता श्री नारायण पर छोड़ देनी चाहिए जी। तुम सत्य कह रही हो सुधा, सारी चिंता नारायण पर ही छोड़ देनी चाहिए। अब वही मार्ग दिखाएंगे। जिस सारी गोपियों पर तो बड़ा संकट आ गया जी, अब तो इनका मन भी करेगा तो हिचक के बारे मेरे पास ना आएंगी। बाबा तो पूरी तरह भूल गए हैं प्रभु, ये सच में आप कौन है? हाँ मुरली, इस समय मैं उनके लिए केवल उनका लल्ला हूँ। पर आपके पास उन्हें इस चिंता से मुक्त करने का उपाय है प्रभु, है ना? हे नारायण, आज मेरी प्रजा और मेरा लल्ला दोनों ही गहरे संकट से घिर गए। आपको मेरी सहायता करनी होगी। प्रभु, पिता होने का कर्तव्य मुझे एक दिशा में धकेल रहा है, तो राजा होने का उत्तरदायित्व वो मुझे दूसरी दिशा में खींच रो। इस भीषण संकट में मैं क्या करूं? मैं इस संकट में अपनी प्रजा का साथ भी ना छोड़ सकता और ना ही अपने लल्ला को उस नरभक्षी सिंह की मान में भेज सकता हूं। आप ही को इस समस्या का समाधान निकाल लो। जे सालीग्राम मुझे मेरे मैया बाबा ने दिया था, और उन्होंने कही थी कि जब भी कोई संकट आएगा ना प्रभु, तो इसके रूप में आप मेरा हाथ पकड़ लोगे और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना। आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की दुविधा में मैं बटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण, रक्षा कीजिए नारायण।
सालीग्राम यहीं तो रखा था मैंने, कहाँ गिर गया, कहाँ चला गो? मैंने तो यहीं रखो था। काना तू यहां क्या कर रहा है? सालीग्राम देखो तूने, अच्छे तेरे मुंह में क्या है? काना कहीं तूने सालीग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण क्षमा करना अभूत बालक, ये क्या करो काना तूने, बाहर निकाल सालीग्राम। लल्ला ये अनुचित है, यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला ला बाहर निकाल, अच्छो बालक है ना तू, ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का। लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम, भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने। यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था, और यहाँ तक कि छोटे कान्हा ने भी हमें कितना समझाया, लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दियो। मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने, कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगो, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। आप ही बताओ रोहिणी जीजी, अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से? क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ना था। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी। पर अब तो बहुत देर हो गई है जशोदा जी, अब क्या होगो? जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था, उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पाँव के नीचे रख दियो है। संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम, बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था, हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे, अब उनके मुंह का निवाला छीन कर उस दुष्ट कंस को देना पड़ेगा। चिच्ची ना, नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गईयों की कमी ना है। मैं अपने घर का सारा गौधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी, किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को। नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहेगा। हाँ नहीं तो देखा ना, बाबा का कहना मान ले। काना तुझे नारायण की सौगंध है, वो सालीग्राम मुझे दे दे। छे क्या करो लल्ला, तूने ऐसे भी कोई कर तो है क्या? लल्ला मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं, अच्छा पता है तुझे? क्षमा करना प्रभु, क्या कर रहा है लल्ला? नारायण की मूर्ति कहां गई?
मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो जे भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। बाहर भी आप हैं और भीतर भी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते, वो तो मेरे सामने ही। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं बाधा होती है, इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए, तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है, इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूं, सदैव हर परिस्थिति में। मैं आपके साथ ही हूँ बाबा। जीवन पर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है, उसका क्या जशोदा? और उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की, उसका क्या? समस्या है तो समाधान भी हो गई। मैंने तो कही थी ना मौसी, जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए। जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुराई होता है, और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छाई मिलती है। आप अपना कर्म कीजिए बाबा, आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और हाँ बाबा, शीघ्र ही आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा, स्मरण रखिएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाबा मैया आ रही है, क्या करूं? कछु सुझाव दो ना बाबा, जिससे मैया मुझे ऐसे नहीं देख पाए। सुनो जी, आपने पुकार लगाई थी क्या? तुम मुस्कुरा क्यों रहे? और आप भी बदले बदले से दिख रहे हो। पूजा करके तनिक शांति मिली ना? शांति ही नहीं यशोदा, प्रभु नारायण ने मुझे समस्या को समाधान भी दे दियो। मैं बस अपना कर्म करूं, कल कंस से मिलने मथुरा जाऊंगा मैं। उस दुष्ट अत्याचारी से मिलने जाओगे आप? ना ना, मैं आपको उससे मिलने ना दूंगी। देखो ना आपने कैसे हमारे गांव वालों को फंसाओ है उसने, अवश्य ही आपको भी उसी उद्देश्य से बुला रहे है। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु,
कुछ देर पहले ही तो मैया सभी को मुझ पर अर्थात श्री नारायण पर विश्वास करने की सीख देकर आई है। अब देखो सेम दिन चिंता करी है ये। चिंता मत ही करो यशोदा, मुझे श्री नारायण किसी भी जाल में ना फंसने देंगे, वो तो यही है हमारे साथ। यही है, इसका क्या अर्थ है जी? तुमने कही थी ना कि तुमने उन्हें हर जगह देखो, हमारे घर में, गोकुल में, तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। कल भोर होते ही मैं मथुरा निकल जाऊंगा, पता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है।